फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे कि गुप्ता साम्राज्य के पहले कुछ फॉरेन इन्वेडर्स आए थे उनके बारे में। इससे पहले हमने देखा था सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, जो बीसी से एडी के टाइम आने के टाइम सातवाहना डायनेस्टी आ रही थी। इनके कुछ इसको ट्रिक से कुछ याद किया था। आज हम देखेंगे ये जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इंडिया की तरफ उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंडो ग्रीक, जिनको यवन राज्य बोलते थे, बैक्टीरिया रीजन के हैं। आपने अपने देखिए कि बैक्टीरिया रीजन कौन सा था, यहाँ से इन्वेडर्स आए थे। वैसे सारे इन्वेडर्स जो आए थे वो नॉर्थ वेस्ट से ही आए थे, यानी आज के पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र से, और कोई जगह थी नहीं। उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण, ये लोग आए थे। शक को इंग्लिश में सीथियंस बोलते हैं और पहलव को पाइथियंस बोलते हैं। और पहलव के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, कुषाण के बारे में ज्यादा इसलिए पढ़ना पड़ता क्योंकि महान शासक महान राजा कनिष्क आ गया था। और इंडोवी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उससे पहले इंडोवी कैसे आए उसकी इन्फॉर्मेशन पहले आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे मौर्य साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे अलेक्जेंडर जब गया मौर्य शासन से पहले, जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी से डायरेक्ट जाके बेबीलोन में मर गया था, तो उसने अपना एक गवर्नर छोड़ा था सेल्यूकस निकेटर, ओके, जिसकी लड़ाई भी हुई थी 305 बीसी में मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसके बाद उसने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना से उसकी शादी की थी। और बदले में कार नहीं लिया, बदले में इंडिका लिया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इंडिका बुक लिखने वाला मेगास्थनीस एम्बेसडर बनके आया था। उसके बाद उनका सन एंटियोकस वन था, और जो बीडी सिगरेट था, यानी कि बिंदुसार ने इनके यहाँ से सूखे अंजीर और मदिरा और एक दार्शनिक मंगाया था। और इनके शासन और बीडी के शासन काल में जो एम्बेसडर था वो था डीमेकस और डायनोसियस, ठीक है। फिर इसके बाद एंटियोकस टू आया था और एंटियोकस थ्री आया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका लिंक है कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक से, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं उससे। एंटियोकस वन की बेटी की शादी बैक्टेरियन किंग, बैक्टेरियन कहाँ ये आप मैप में देखिए, इससे डेमेट्रियस वन से हुई थी। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य भारत से गया, सुंग वंश के पुष्प में सुंग ने हमला किया, तो एंटियोकस थ्री ने कहीं ना कहीं अपने कौन लगता है डॉक्टर के पति, इसको बता दिया कि सुंग वंश आ गया है, आप भारत में हमला करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद डेमेट्रियस ने, जो अभी पंजाब को जीत चुका था और भारत पे हमला यानी मगध पर हमला, सुंग वंश पर हमला करना चाहता था, तो सुंग वंश पुष्प में तो सुंग ने इसको काउंटर किया था, इसको आने नहीं दिया था डेमेट्रियस वन के, ये क्वेश्चन आता रहता है। फिर डेमेट्रियस किंग, जो डेमेट्रियस वन था, उसने पंजाब हड़पा था और कैपिटल साकल बना रखी थी, ठीक है। उसके बाद डेमेट्रियस वन जब मर गया तो जो बैक्टेरियन किंग थे वो वापस चले गए, लेकिन कुछ किंग ऐसे थे जो इंडो ग्रीक बनके यहाँ शासन करने लगे। उसमें पहला था अपोलोडोटस वन, जो राजा बन गया। बस इसके बारे में इतना आता है कि पहला जो इंडो ग्रीक किंगडम बना उसमें पहला राजा कौन था, अपोलोडोटस वन था, और इसमें एक महान शासक था मिनांडर, ठीक है, जो इंडो ग्रीक बन गया। अब डेमेट्रियस बनने के बाद ग्रीक वाले एक साइड हो गए और इंडो ग्रीक एक साइड हो गए, तो इसमें पहला महान शासक आया मिनांडर। मिनांडर से बौद्धिज्म धर्म को मानने वाले नागसेन की क्वेश्चन और आंसर के रूप में चर्चा हुई, जिसको मिलिंद पन्हा नाम के बुक में लिखा है इसने मिलिंदा ने और मिनांडर ने। और उसके बाद ये इतना प्रभावित हुआ उनके आंसर से कि उसने बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है। अब इंडो ग्रीक में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे यवन ने, यानी इंडो ग्रीक ने। और अगर इतने महंगे सोने के सिक्के जारी किए हैं तो सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनके काल के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये आपको सिक्के देख लीजिए इमेजेस, ठीक है। और जब ये इंडो ग्रीक पहले थे, एडी के आने के बाद इंडो ग्रीक पहले थे जो फॉरेन से हमला कर रहे थे, तो इनकी एक आर्ट थी जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते थे, हेलेनिस्टिक आर्ट, और एक अपनी इंडियन आर्ट थी। इन दोनों की आर्ट मिला के एक गंधार आर्ट, नई आर्ट बन गई थी, जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्यों स्पेशल है गंधार आर्ट, गंधार आर्ट आज के पाकिस्तान में है गंधार। और इन लोगों ने एक चीज और सिखाई थी, तपस्या करना, सप्ते में 7 दिन होते हैं, ये सब सिखाया था। जैसे कोई नाटक चल रहा है तो नाटक को बीच में पॉज करना, तो पर्दा गिराना, पर्दा उठाना, ये सब इन्होंने सिखाया था। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया। ये तीनों एक बार में अभी लास्ट में करके कन्फ्यूजन दूर कर ले। इंडो ग्रीक के आने के बाद अब आएंगे शक, शक को आप देखिए, शक के दो राजा तो आपने कल देख लिए थे, सातवाहना डायनेस्टी जब आई थी और उसके गौतमी पुत्र सत्कर्णी का पुत्र वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामणी और प्रतिष्ठान कैपिटल बनाया था अपने, तो हमने देखा था कि ऐसी क्या खुशी थी कि उसे प्रतिष्ठान यानी मिठाई की दुकान बनानी पड़ी। तो उसकी शादी रुद्रदमन की डॉटर से हुई थी, और वो शक वंश का था रुद्रदमन, जिसने जूनागढ़ अवलेख लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कहीं ना कहीं इसने सत्कर्णी को हराया था। क्लियर नहीं हो पाया कि गौतमी पुत्र सत्कर्णी को हराया है वशिष्ठी पुत्र सत्कर्णी को, इसलिए हमने ये जूनागढ़ अवलेख को जूनागढ़ अवलेख नाम से क्लियर किया था कि इसने चूना लगा दिया, बताया नहीं कि कौन से सत्कर्णी को हराया था। तो कुछ राजाओं के नाम आपको पता ही है, रुद्रदमन है, जैसे नहापना को हराया था गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने। तो शक वंश में यही दो राजा आने वाले हैं जिनकी चर्चा होती है, लेकिन ये शक कैसे आए इसको हम देखते हैं। ये कजाकिस्तान क्षेत्र में आराम से चेयर पर बैठ के मौज कर रहे थे, ओके, इन्हें किसी का शक नहीं था, किसी के हमले का शक नहीं था इन्हें, लेकिन जो सेंट्रल एशियन नॉमेडिक एक जनजाति थी उन्होंने इन पर हमला कर दिया, फिर इनको भारत की तरफ भागना पड़ा। तो देखो ये आराम से चेयर पर बैठकर सर पे कैप लगा के आराम से मौज कर रहे थे, क्योंकि इनको शक नहीं था कि कोई हमला करेगा। तो इनका पहला राजा हो गया मौज, जो 80 बीसी से 60 बीसी तक है, ठीक है। सर पे कैप लगा के, यानी इन्होंने अपना कैपिटल जो बना रखा था वो बना रखा था सर कैप या सर काप, जो भी आप पढ़े, ठीक है। इसके बाद जो नहापना था, जिसको गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने हराया था सतवाहन के, वो पिछले वीडियो में देखा था। और रुद्रदमन वन, जिसकी बेटी की शादी वशिष्ठी पुत्र पुलमावती से हुई थी, जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ अभिलेख इसमें, इस अभिलेख को पहला ऐसा अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा था, और मौर्य की जानकारी। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और आते हैं, एक है विक्रम संवत कैलेंडर जो 58 बीसी में आया, और एक है शक संबंध कैलेंडर, जो ये शक संबंध कैलेंडर जो 78 बीसी में आया था। इन दोनों को कब आया था और इसका 58 बीसी 78 एडी कौन सा था, ये क्वेश्चन आते हैं। ये इन दोनों को अभी बाद में देख लेंगे, यानी हमें 2 चीजें देखनी है लास्ट में, एक तो ये सोने के सिक्के वाली बात और एक दो जो कैलेंडर है उनकी बात, ओके।
आते हैं पहला जिनको बोलते हैं पार्थियन, इन्होंने इनको मैंने पहले बताया था, इनके बारे में कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि कैपिटल तक्षला बना रखी थी और फेमस रूलर था गोंडफेयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कुशान, कुशान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके टाइम इसी रूल में आया था कनिष्क। अब जो कनिष्क आया था हम उसको कनिष्क पढ़ेंगे, कनिष्क की जगह कनिष्क, क्योंकि हमें उससे पहले रूलर का नाम याद हो रहा है कड़फिसस, कनिष्क पढ़ लेने से याद हो जाएगा। पहला रूलर था कुजुल कड़फिसस, सेकंड लेकिन कई जगह ये थर्ड माना जाता है वीमा कड़फिसस, इसने शैव धर्म का उपासक था। अब कनिष्क के टाइम पर शक संवत जो कैलेंडर था 78 एडी का वो जारी हुआ था, दोनों कैलेंडर के बारे में लास्ट में देखेंगे। और कनिष्क ने अपनी कैपिटल पुरुषपुर बना रखी थी शुरू में, फिर मथुरा का कैपिटल चेंज कर दी थी, मथुरा में ये मूर्ति भी मिलती है आप देखिए कनिष्क की। अच्छा, अब ये लोग जो कुशाण लोग थे ये एक्चुअली हुआ क्या था, चाइना से आ रहे थे, ऐसे ये चाइना से आके और इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र से आए थे कुशाण लोग। तो चाइना की एक जो यूची कबीला था, यूची कबीला उसमें से पांच शाखा थी, पांच में से एक शाखा ये थी कुशाण, वो महान कुछ महान यूची बोले गए ये लोग, वो लोग थे ये लोग, ठीक है, चाइना से आए थे। तो चाइना से एक रिलेशन है कि जैसे सिल्क रूट है जो चाइना से निकलकर यूरोपियन कंट्रीज के लिए जाता है, जहां से सिल्क प्रोड्यूस होकर चाइना सिल्क प्रोड्यूस करके यूरोपियन कंट्रीज को बेचता था। तो यहां पर ये कुशाण ने कनिष्क ने टैक्स लगा दिया जिससे भारी पैसे आने लगे और तभी उसी वजह से सोने के सिक्के बहुत ही शुद्ध जारी हुए कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। अब देखो क्लियर करते हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसके शासनकाल में हुए, गुप्ता शासनकाल में। गुप्ता का आप मैप देखेंगे तो देखेंगे उसने पूरे भारत को नीचे तक जीत रखा था, तो सबसे ज्यादा कॉइन जारी करना मजबूरी थी, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जारी किसने किए, गुप्ता शासक ने। अब जो सिल्क रूट है जो चाइना से चलता है वो चाइना के कुशाण ने वहां पे टैक्स लगा दिया था, कनिष्क ने टैक्स लगा दिया था, तो बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, तो बहुत ही शुद्ध गोल्ड कॉइन जारी किए थे। और सबसे पहले गोल्ड कॉइन जारी किसने किए थे, जो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक ने, ओके। और एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड कि चलो कनिष्क ने टैक्स लगा के सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन जारी कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से जारी किए उसने, तो सबसे ज्यादा किए थे कॉपर कॉइन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दरबारी विद्वान रहे, इसमें पहला नाम है अशुघोष, आपको पता ही है बौद्ध सभा के चौथे बौद्ध सभा में यही थे अशुघोष, और इन्होंने बुद्ध चरित रचना की है, इसी को बुद्धों की रामायण बोला जाता है। एक चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, और इनको भारत के चिकित्सा क्षेत्र के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। एक थे नागार्जुन, ये आइंस्टीन ऑफ इंडिया जाने जाते हैं, सबको पता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एक था विक्रम संवत कैलेंडर और एक था शक संवत कैलेंडर, ठीक है। तो 58 बीसी और 78 एडी में आया था, तो जो पहले आया था वो बीसी और जो 78 बड़ा नंबर है तो उसके साथ आएगा बाद वाला यानी एडी, ठीक है। शक संबंध को शक ने जारी नहीं किया, शक के टाइम पे जारी नहीं हुआ, शक इधर आएगा, ठीक है, शक के नीचे शक मत लिख देना, शक इधर आएगा यानी शक शासनकाल में, इसकी स्टोरी अभी देखते हैं। और शक वाला कनिष्क ने जारी किया था, अब विक्रम संबंध देखते हैं, विक्रम संबंध के नीचे शक लिख दिया, इसका मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं जो उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण कर रखी थी शक को हराने के उपलक्ष में, तो उन्होंने एक नंबर विक्रमादित्य उपाधि धारण की, दूसरा उन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर जारी किया, शक को हराने के बाद शक संवत जारी नहीं किया, विक्रम संवत जारी किया, और कनिष्क ने शक संवत कर रखा था। ये कन्फ्यूजन लग सकता है लेकिन एक बार पढ़ के तो देखो हो जाएगा। थैंक यू।